गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेंदुलकर व्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे या फिर उसके रूट के बारे में या फिर उस रूट पे जो पैसेंजर्स जा रहा है उसके दिक्कत के बारे में बात करेंगे। क्या दिक्कत फेस कर रहे हो पैसेंजर्स? मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और वो कॉल्स मुझे लगा कि उस जो प्रॉब्लम इशूज़ हो रहे वो मुझे आपके सामने रखने चाहिए। ठीक है, ये कंट्री है जमैका। यहाँ पर इंडिया से जमैका जाने वाले काफ़ी है। ठीक है, और जमैका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट एक ही है, KLM एयरलाइंस की। ठीक है, क्लियर। अगर इस एयरलाइन से हम नहीं जाते हैं तो दूसरी एयरलाइंस जो जाती है वो हमें ट्रांजिट वीज़ा लगा के जाना होता है, जैसे कि लंदन या US। और तीसरा जो रूट है वो है एम्स्टर्डम का। तो मैं एम्स्टर्डम रूट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो पैसेंजर ने मुझे कॉल किया था और वो सब स्टोरी उसने मुझे जो बताए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, वो पैसेंजर ने कहा कि मैंने सर, मैं टूरिस्ट पर्पस से टूरिस्ट के लिए जा रहा था, फॉर वैकेशन पर्पस जमैका जा रहा था। मैंने रूट चूज़ किया है मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से बारबाडोस, बारबाडोस से पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन से जमैका। एयरलाइन से KLM एयरलाइंस। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एम्स्टर्डम में भी वीज़ा नहीं लगता है इंडियंस को, बारबाडोस में भी नहीं लगता है, पोर्ट ऑफ स्पेन में तो वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर इंडियंस। ठीक है, और वहाँ से जमैका के लिए भी नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है, क्लियर है। तो फिर दिक्कत कहाँ पर आए? ठीक है, जब वो सब उसने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सब कुछ ले लिया था, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, रिटर्न टिकट्स हो गया, कैश हो गया, उसने कन्वर्ट करा लिए थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लिया, कोविड सर्टिफिकेट ले लिया था उसने, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया था, सब कुछ था A to Z उसके पास, सब डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, इस रूट भी परफेक्ट था, रूट में भी कोई दिक्कत नहीं। मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता फॉर इंडियंस, एम्स्टर्डम से बारबाडोस, बारबाडोस में भी वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस को और ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, फिर वहाँ से पोर्ट ऑफ स्पेन, वहाँ पे भी वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस को, वहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। ठीक है, फिर वहाँ से कैरिबियन एयरलाइंस की उसको फ्लाइट कैच करके जमैका जाना था। ठीक है, तो वो भी दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में बाहर भी निकल सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है तो वहाँ से वो आगे भी जा सकता है, फुल सेफ फ्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अभी वो बाहर का था, एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट का था। ठीक है, कलकत्ता साइड का था, तो वो वहाँ से ट्रैवलिंग करके मुंबई आया, उसकी टिकट बनी थी मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से मैंने आपको जैसे बताया बारबाडोस, बारबाडोस से पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन से कैरिबियन एयरलाइंस से उसको आना था जमैका। ठीक है, क्लियर, सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सब उसके पास थे, कैश था, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब कुछ था। ठीक है, वो घूमने जा रहा था फॉर वैकेशन पर्पस। अभी वो मुंबई में आया, मुंबई में वो गया, KLM एयरलाइंस की फ़्लाइट है तो KLM एयरलाइंस के काउंटर पे गया, वापस KLM एयरलाइंस वाली ने वो सुपरवाइज़र को बुलाया, फिर वो सुपरवाइज़र आके उसको एक रीज़न देता है कि यू कैन नॉट बोर्ड दिस फ्लाइट बिकॉज ऑफ यू हैव ए 2 PNR, 2 टिकट्स, वन ऑफ मुंबई से पोर्ट ऑफ स्पेन की। ठीक है, KLM एयरलाइंस की उसने बनाई, दूसरी थी के वहाँ से पोर्ट ऑफ स्पेन से कैरिबियन एयरलाइंस की थी। ठीक है, कैरिबियन एयरलाइंस की जमैका तक की, लेकिन मैं कहता हूँ क्या वहाँ तक सब कुछ था, उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स थे, रिटर्न टिक्स था, होटल रिजर्वेशन था, वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई वीज़ा लगता नहीं है, तो फिर डिनाई क्यों कर रहे? फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न, अगर ये फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न, वो पहले भी मैंने सुन लिया था आपको, मैंने पहले भी वीडियो भेज दिया है, बताया है, और पहले भी मुझे काफ़ी कॉल्स आए थे क्या मुंबई से इस रूट पर जाते तो फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न ही मिलता है क्या, यू कैन नॉट बोर्ड दिस फ्लाइट, यही कहते हैं, या फिर डबल PNR हो गया। ठीक है, इस रूट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से भेजते ही नहीं है, तो ये थोड़ा लूज़ करना चाहिए, जो सिक्योरिटी है इनकी मुंबई पे तो थोड़ी लूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स है, सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, कैश है, फंड्स है, रिटर्न टिकट्स है। पहले जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जा रहा था वो पैसेंजर, उसको कह दिया क्या फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न यू कैन नॉट बोर्ड दिस फ्लाइट, उसका तो सिंगल ही PNR था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी तो चलो PNR डबल हो गया, वो भी जाने देना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि डबल हो गया तो जाने नहीं दे सकते। अभी कोई US जा रहा है, ठीक है, या कोई माइक्रोनेशिया जा रहा है, तो उसका PNR तो 2 से 3 PNR हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा फिर आदमी? वो तो जाने देते ना, उस रूट पे तो जाने देते, अगर माइक्रोनेशिया कोई जा रहा है तो 2 PNR तो हो ही जाएगा, एक यहाँ से मुंबई से हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग से फिलीपींस, फिलीपींस से वो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती है माइक्रोनेशिया चूक के लिए। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 1 PNR में तो बनेगा नहीं, वो ऑब्वियसली 2 PNR बनेगा, तो उस रूट पे जाने दे रहे, इस रूट पे जाने नहीं दे रहे, और इस रूट पे तो इवन सिंगल PNR वाले को भी रोक दिया, उसका भी मुझे कॉल आया था पैसेंजर का
क्या सचिन जी ये से मेरा तो सिंगल पेनर था, KLM एयरलाइंस का था, मैं तो पोर्ट ऑफ स्पेन जा रहा था ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन मार्च में, ठीक है। तो उसको भी जाने नहीं दिया, उसके बाद भी सब रीज़न थे, सब कुछ था उसके पास, उसने भी ऑलरेडी एम्बेसी से क्रॉस वेरीफाई किया, एयरलाइन से क्रॉस वेरीफाई किया, नेदरलैंड एम्बेसी से क्रॉस वेरीफाई किया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में कॉल करके पूछा, कैश था, करेंसी पैसे थे, रिटर्न टिकट्स था, होटल रिजर्वेशन था, सब कुछ था, फिर भी डिनाई कर दिया। तो ये हैरेसमेंट हो रहा है पैसेंजर के साथ में, यहाँ से क्या दिक्कत दे रहे, जाने नहीं देते या कुछ भी रीज़न बता देते, या फिर एक रीज़न तो ये है ही क्या, फॉर ए सिक्योरिटी रीज़न वी कैन नॉट अलाउ यू टू बोर्ड दिस फ्लाइट, ये तो एक रीज़न मिल रहा ही है, ठीक है, और कुछ रीज़न नहीं दे सकते। तो और इस पैसेंजर के साथ में तो कह दिया कि आपके दो PNR है इसलिए आपको अलाउ नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये भले वो रिफंडेबल हो जाती है टिकट्स, लेकिन हैरेसमेंट हो रहा है, वहाँ से बाहर आउट ऑफ स्टेट से कोई आ रहा है, वो एयरपोर्ट पे आ रहा है, और वापस अभी क्या करेगा, बॉम्बे में बैठे रहेगा एक दो दिन, फिर वापस वो घर पे जाएगा, तो उसका वेस्ट हो रहा है कि ना, ट्रैवलिंग के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि एयरलाइंस में हमने टिकट बुक कर लिया तो आज अगर डिनाई कर दिया तो कल के कल अकाउंट में आ जाएगा, वो 40-45 days लेगा, 1.5 महीना लेगा अकाउंट में डालने के लिए, तो उतने पैसे भी अटक गए। और ऐसा 40-50 हज़ार के एयर टिकट्स नहीं आती, ये जो टिकट्स आती है वो अराउंड 1,80,000-1,90,000 की टिकट्स आएगी, रिटर्न टिकट्स यहाँ से इंडिया से कैरिबियन की, ठीक है। तो एक्सपेंसिव रहती है टिकट्स, टाइम वेस्ट हो जाता है, हैरेसमेंट हो जाता है, और ऊपर से इन लोग ये स्टेटमेंट देते हैं एयरपोर्ट पे जाके, क्या यू कैन नॉट बोर्ड दिस फ्लाइट ऑन दिस रूट, ठीक है, जो आप दूसरे रूट से जा सकते हैं। तो अगर इस रूट से नहीं जा सकते तो फ्लाइट ही मत रखो भाई, फ्लाइट ही कैंसिल कर दो ये रूट की, KLM एयरलाइंस की ना, अगर आप अलाउ भी नहीं करते हो, सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी अलाउ नहीं करते तो फ्लाइट ही मत रखो, या फिर अलाउ करते हो तो फिर जाने दो, ऐसे नहीं कि सबको ही जाने दो, अगर आपको डाउट लगेगा तो मत जाने दो, राइट, क्योंकि कोई कोई कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं वहाँ पे जाके, या फिर कहाँ पे और जगह पे जाना है तो वैसे भी होता है, तो ये सब मत कीजिए प्लीज़। जेन्यून आप एज अ टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हो, या अगर किसी को बिजनेस करना है TNT में जाके, पेट्रोल पम्प ओपन करना है, शॉप ओपन करना है, सुपर स्टोर सुपर मार्केट ओपन करना है, तो वीज़ा ऑन अराइवल है भाई, जाने दो उसे, वो बिज़नेस है उसके पास, बिज़नेस करना है उसके पास, पैसे है, कैपिटल है, वो बिज़नेस करना चाहता है वहाँ पे, तो जाने दीजिए, उसे कहाँ से भी अरेंज किए होंगे पैसे, वो जाके वहाँ पे बिज़नेस करना चाहता है तो करने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। तो उसमें हैरेसमेंट हो जाता है पैसेंजर का, अगर नहीं जाने देते हो आप, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है मैंडेटरी, फिर भी जाने देते हैं तो फिर वो ठीक नहीं बात, ठीक है। या फिर एयरलाइंस ये कैंसिल कर दीजिए आप, फ्लाइट ही नॉट एयरलाइंस, फ्लाइट आप कैंसिल कर दीजिए इस रूट पे, अगर आप अलाउ ही नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या रेस्ट ऑफ दिल्ली वाले, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने दीजिए, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है तो थोड़ा कम कर दीजिए वहाँ पे, जाने दीजिए भाई, क्योंकि काफ़ी हैरेसमेंट हो जाता है पैसेंजर के लिए वहाँ पे, वापस जाओ आओ, पैसा वेस्ट, पैसा टिकट निकाल लिया तो 1.5 महीने के बाद टिकट्स के रिफंडेबल अमाउंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज कैंसिल कर दिया तो कल आपके हाथ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 40-45 days लेते हैं, 1.5-2 महीना ले लेते हैं टिकट रिफंड होने के लिए पैसा, तो ठीक है। तो प्लीज़ ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मुझे आपको शेयर करना था, ये सब प्रॉब्लम हो रही है इस रूट्स पे कैरिबियन के लिए, इंडिया से एम्स्टर्डम की जो फ्लाइट है KLM एयरलाइंस की, यहाँ से डिफ़िकल्ट हो रहा है, बोर्डिंग करने नहीं दे रहे, चेकिंग ही करने नहीं मिलती है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर ठीक लगा तो जाने देते हैं, या फिर बहुत कम चांसेस है, जेन्युइन जिसको जाना है उसको भी जाने नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, ओके। और ये जो मुझे कॉल्स आए थे उसके ऊपर से मैंने बेस करके वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी कॉल्स मुझे आ रहे थे इस रूट के, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में, और फिर बाद में फिर ही आप इस रूट पे आप टिकट बुक करें, ठीक है। अगर आपका US वीज़ा है या लंदन का वीज़ा है तो आप जा सकते हो डेफिनेटली, या तो फिर इस रूट से आपको जाना ही क्यों है फिर, अगर आपका US वीज़ा है, UK का वीज़ा है तो आप US होके ही जाइए, लंदन होके जाइए हैथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है। ये तो जिसका वीज़ा नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, उनको जाना है तो इस रूट से जा सकते हैं, अगर रखी है फ्लाइट तो प्लीज़ जाने दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिंद्र का ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।